पूरी दुकान के अंदर 50 रुपए की सेल कर दी। स्वेटर 100 रुपए में दो, स्वेटर 100 रुपए में दो। What is up guys, hello and welcome back to my another vlog. So guys, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जो दिल्ली की सबसे फेमस जगह है, और वो फेमस इसलिए है क्योंकि ये समझ लो कि वहाँ पे ना मतलब शॉपिंग इतनी होती है ना, और शॉपिंग का नाम है सरोजनी नगर। ठीक है, नाम से तो पहचान में होंगे, लड़कियों का ऑल टाइम फेमस जगह है वो, सबसे ज़्यादा कपड़े लोग वहीं पर खरीदते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड आता है वहाँ हमेशा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, हम भी थोड़ा सा व्लॉग शूट करते हैं, मज़े मारते हैं। मतलब ये है कि तुम पे अगर 1000 रुपए है ना, तो तुम भर के सामान ले आओगे, कपड़े वपड़े सारे। ठीक है, तो चलते हैं आज ब्लॉग को शुरू करते हैं, और क्योंकि आज कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने ये जो कोच है ना, ये पूरा मैंने खरीद लिया है, ये देखो पूरा खाली कर रखा है मैंने, कोई भी नहीं, ये देखो बस। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो इसलिए हमने कहा चलो परचेज कराओ, तो और बाकी चलते हैं, फिर आगे शॉप आगे निकलते हैं और शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel? So guys, सरोजनी नगर आने के लिए आपको पिंक लाइन मेट्रो में मिल जाएगी सरोजनी नगर ही, और उसके जस्ट सामने इस तरफ आपका जो पूरा सरोजनी मार्केट है वो, तो आपको अगर सरोजनी आना हो आप पिंक लाइन पे, जो मेट्रो है सरोजनी नगर सबसे नियरेस्ट मेट्रो है, मेट्रो से उतरते ही आपका सरोजनी नगर सामने। तो चलो देखते हैं क्या है, वैसे बहुत भीड़ है इस तरफ, आज चलते हैं, करते हैं इसको मजीद मस्ती वस्ती मारते थोड़े बहुत, कोरोना तो खत्म नहीं हो गया। हाँ चलो फिर। सो गाइस, इस टाइम पे यहाँ पे ना काफ़ी नए स्टॉक आए हुए हैं, जिनको आना है आप ले लो, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है इस टाइम पे। तो बाकी मैं दिखाता हूँ और भी, देखते हैं यहाँ पता करते हैं कहाँ पे क्या क्या कितने किस हिसाब से है, बाकी सही रेट है सारी चीज़ों के, चलते फिर और देखते हैं आगे। तो भाई देखो यहाँ पर ये सारे 100 रुपए के, मतलब एक है इनका फिक्स प्राइस पे रहता है एक जगह, और बाकी कई जगह होती है जहाँ पे आपको रेट कुछ भी बोलेंगे, आप बार्गेनिंग करना बस आना चाहिए, तो आपका 500 वाला सामान आप 100 में भी ले सकते हो। बाकी जो है आपको देखो यहाँ पे बाहर ठंडी हो गई, जीन्स हो गए या जैकेट्स हो गए, ये इस तरफ सब ये 50-50 के शॉर्ट्स मेन यहाँ पे, मतलब मेन जो मार्केट है पूरी वो लड़कियों के लिए ही है, बाकी लड़कों की भी है, मैं देखता हूँ, लड़कों की भी है ना इधर, तो पीछे ब्रांडेड कलर में, ब्रांडेड कलर में। चलो फिर मैं दिखाता हूँ, वहाँ मार्केट दिखाता हूँ बाकी सारी। तो गाइस इस टाइम पे हम लोग ये मार्केट में मतलब एंट्री किए थे कि थोड़ा घूमे हैं, इसको लग गई भूख, हाँ शक्ल दिख गई, शक्ल दिख गई, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है तू अभी? सरोजनी नगर आए हैं, बिना खाए जाएंगे। हाँ हाँ जरूर खोद रहे हो, मतलब अभी एंट्री नहीं किया, मैं कहा चल ठीक है थोड़ा रुक के खा लेंगे, कि नहीं भैया को तो खाना है पहले, तब जब ये पहले खा ले उसके बाद फिर खाना, मेरे को खाना, मैं भूखा हूँ, तो चलो पहले ये खा ले फिर उसके बाद निकलते हैं आगे देखते हैं। Yeah.
तो गाइस इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हम लोग इस मार्केट को पूरा घूम चुके हैं, मतलब देख लिए पूरी मार्केट, काफ़ी अच्छी है, सेल लगे हुए हैं आपको, मतलब ये मतलब 50 रुपये से लेकर 250-300 तक में आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और अगर ब्रांड चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए वो भी मिल जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, होम डेकोरेट से लेकर आपके कपड़े, शूज़ व्यूज़, सारी चीज़ें। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं दिल्ली हाट, जो कि दिल्ली INA पर है, तो अभी देखते हैं जाते हैं उसको, देखते हैं कि ओपन है, वैसे तो गूगल पे दिखा रहे ओपन है, बाकी वहीं जाके पता चलेगा कि ओपन है कि नहीं है। तो चलो चलते फिर और मिलता हूँ फिर मैं आपसे वहीं पर दिल्ली हाट INA पे। सुबह इस टाइम पे हम लोग हैं दिल्ली हाट INA मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अभी हम यहाँ से जाएंगे हाट पे, देखते हैं कि किधर से रास्ता है। तो चलिए चलते हैं फिर। सो गाइस ये रहा मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही है, ये मेट्रो स्टेशन से निकलकर आप किस तरफ, लेफ्ट ना, हाँ लेफ्ट की साइड मुड़ोगे अगर, तो आपको लेफ्ट साइड पे मुड़ते ही आपको ये मिल जाएगा और 30 रुपये की टिकट है ये भी, आपकी एडल्ट की 30 रुपये की है और जो छोटे हैं उनकी आपको मिलेगी 20 रुपये की। तो चलो चलते हैं दिल्ली हाट के अंदर, ये रहा एंट्री। चलो सुबह ये यहाँ पर मतलब आपको स्टेज परफॉर्मेंस दिया होगा कि आपको मतलब कोई परफॉर्मेंस करनी हो या कोई बुक करना हो कि अपने कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो आप लोग यहाँ पे बुक भी कर सकते हो। ये पूरा यहाँ पे एकदम एंड में, इस मार्केट के एंड में ही, अंदर में ही ये स्टेज है और इस साइड सारा आपको मार्केट पूरी पीछे। और बाकी वैसे मतलब मैंने पूछा था इनसे, परमिशन ली थी, तो उन्होंने बोला कि वैसे आप फ़ोटो शूट कर सकते हो, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने बोला नहीं कर सकते हो तो मतलब करना है, ठीक है। और बाकी आपको खाने पीने के भी स्टॉल मिल जाएंगे इस तरफ सारे। अरे हनुमान जी, हनुमान जी, ओह जय श्री राम, गणेश जी बम बम बोल। अरे भाई लेकिन बढ़िया लगता है। तो भाई मतलब काफ़ी अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, 30 रुपीज़ की टिकट लो, एंटीक लवर अपना अंदर आओ और घूमो, एंटीक्स लवर देन दिस प्लेस इज वेरी बेस्ट फॉर यू, दिस प्लेस इज हेवन फॉर यू। हाँ वो अब आ जाओ वापस अपनी लैंग्वेज पे आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं वापस कौन सा ये क्या स्टेट है, राजस्थान। सो गाइस इस टाइम पे हम लोग हैं राजस्थान के स्टॉल पर और हमने लिया है यहाँ पे रात, देखो ये हमने यहाँ पे रात कचौड़ी लिया है। और अभी मतलब यहाँ पे ना खाने पीने का जो है, मतलब आपको ना खाने पीने के लिए हर एक स्टेट का खाना इधर मिल जाएगा, आपको जिस भी स्टेट का चाहिए आपको उस स्टेट का खाना मिल जाता है, तो काफ़ी सही प्राइस में। हाँ प्राइस भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, सही प्राइस है सारे। तो चलो हम खाते हैं फिर और देखते हैं फिर। चलो सो गाइस आज का जो हमारा व्लॉग है यहीं पर ख़त्म होता है, इस टाइम पर हम लोग यहीं दिल्ली हाट के बाहर बैठे हुए हैं और बाकी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खाली है, कोरोना के चक्कर में ही है, भीड़ बिल्कुल नहीं है इधर। तो अगर आपको घूमने वूमने आना हो तो आ सकते हो, टिकट आपका 30 रुपीज़ की टिकट है, एंट्री टिकट। और बाकी फिर जाएंगे अब सीधे घर जाएंगे क्योंकि और शाम हो रही है, थक भी गए हैं थोड़ा। और काफ़ी अच्छी जगह है, मैं तो बोलूँगा ज़रूर आना, एक ना एक बार तो आना ही चाहिए। दिल्ली में हो, दिल्ली हाट नहीं देखा तो फिर क्या देखा, समथिंग लाइक ऐसा बोल दिया मैंने। तो फिर चलते हैं गाइस, अब जाएंगे थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बातचीत करेंगे, बैठेंगे आराम से, उसके बाद घर जाएंगे। तो अगले ब्लॉग में अगला ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है, वो भी मार्केट के बेस पर ही होगा। तो अगर आपने आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और कमेंट करना कि आपको सरोनी ज़्यादा अच्छा लगा है या दिल्ली हाट। और दिल्ली हाट में मैं ज़्यादा वीडियो अंदर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया था, बाद में अंदर सिक्योरिटी गार्ड ने भी मना कर दिया था कि अलाउड नहीं है, ऐसे आपको फ़ोटो ले सकते हो, तो हमने फ़ोटोज़ ली, बाकी यही है। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और हम लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना क्योंकि वहाँ पर मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट आती रहती हैं। तो मिलते फिर गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ बोलना है, जय श्री राम, जय श्री राम, चलिएगा।